एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 10 10 अवार्ड एक साथ लिट्टी चोखा का। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं नीचू, स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल भोजपुरी कौशिक पे। तो जी हाँ, चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक मार दो। तो जी हाँ, BEFA यानी कि बीफा अवार्ड में ना खिसाड़ी लाल यादव का है ना वो तांडव पूरी तरीके से कर सकते हो, अवार्ड पर कब्जा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि काउंटिंग खत्म होती है 10 अवार्ड पर। जी हाँ, और जो सबसे पहला अवार्ड है यानी कि 10 कैटेगरी में अवार्ड मिला है लिट्टी चोखा को, पहला बेस्ट फिल्म प्रदीप के शर्मा को मिला है, दूसरा बेस्ट कैरेक्टर पराग पाटिल को मिला है, तीसरा जो है बेस्ट एक्टर खेसारी लाल यादव को मिला, और चौथा बेस्ट स्क्रीन डायलॉग राकेश त्रिपाठी को मिला है, पांचवा बेस्ट सिनेमेटोग्राफिक जो है RR प्रिंस को मिला है, छठा बेस्ट पॉपुलर सिंगर स्वाति शर्मा को मिला है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया था, और सातवां जो है बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर मिला है पद्म सिंह को मिला है, और आठवां मिला है बेस्ट आर्ट डायरेक्टर विजय श्रीवास्तव को, नौवां बेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो का मिला है, और दसवां बेस्ट मेकअप जी हाँ बबलू पांडे को मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म जो दुर्गा पूजा में रिलीज हुई थी, जिस तरीके से ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, जिस तरीके से लोगों ने उन्हें प्यार दिया था, जिसका इंतजार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे, उस फिल्म को बीफा में एक साथ यदि 10 10 अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो सोच सकते हो कि खेसारी लाल यादव का क्रेज कितना बड़ा है। अगर आपने अभी तक खेसारी लाल यादव की लिट्टी चोखा को विश नहीं किया, ने अवार्ड को सेलिब्रेट नहीं किया, ने कमेंट नहीं किया है तो यार कमेंट जरूर करो यार, एक एक साथ 10 10 अवार्ड। और हालांकि आपको बता देता हूँ कि 4 तारीख को आज की आपके नजदीकी सिनेमा में पूरे इंडिया में, यूपी को छोड़कर पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज को तैयार है। तो भैया धमाल मचाने के लिए तैयार, भैया कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।